दोस्तों आपको क्या लगता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो है अपना चैनल जो है खुद ही मैनेज करते होंगे, वीडियो शूट करने से लेकर के वीडियो अपलोड करने तक खुद ही ये सारा काम करते होंगे, इतना सारा काम? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल भी गलत आप सोच रहे हो, बिल्कुल भी गलत लग रहा है। क्योंकि जो उन लोग जो होते हैं वो सारा काम नहीं करते हैं, उनको केवल वीडियो शूट करने से मतलब रहता है। वीडियो शूट कर देते हैं और अपने चैनल का किसी को मैनेजर बना देते हैं और उसको वीडियो सेंड कर देते हैं, वो सारा काम जो है कर देता है। वीडियो का थंबनेल भी बना देगा, एडिट भी कर देगा, अपलोड भी कर देगा, टाइटल भी लगा देगा, सब कुछ काम वही कर देगा। कुछ लोग ऐसा करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, लोग 10-12 लोगों का टीम बना देते हैं और बड़े बड़े लोगों का चैनल मैनेज करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे को केवल वीडियो शूट करने से मतलब रहे, मेरा कोई सब कुछ मैनेज कोई और करे, तो आप सिंपली किसी को अपने चैनल का मैनेजर बना सकते हो बिना अपने चैनल का ईमेल आईडी उसको उसके मोबाइल में लॉगिन किए। और जी ये वाला फीचर है ना, पहले अवेलेबल नहीं होता था, पहले बहुत रेयर लोग को अवेलेबल होता था, जिनका चैनल मोनेटाइज होता था उन्हीं को अवेलेबल होता था। लेकिन अब क्या हो गया, सभी को उपलब्ध हो गया है ये वाला फीचर, कोई भी किसी को मैनेजर बना सकता है, चाहे उनका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो। और ये कैसे सारा काम कर सकते हो, चलो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा देता हूँ। दोस्तों आप जिनको भी मैनेजर बनाना चाहते हैं उनका एक मोबाइल ले लेना होगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल लेने के बाद क्या करना होगा, जैसे कि मैं इनको मैनेजर बनाना चाहता हूँ, उनका मैं मोबाइल ले लिया हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको भी करना है, और जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रैक्टिकली लाइव यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने YT स्टूडियो में जाऊँगा इनको मैनेजर बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे सेटिंग वाला आप दिख रहा है सेटिंग पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे मैनेज चैनल के नीचे परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, परमिशन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इनवाइट का बटन है, इनवाइट पे क्लिक कर दूंगा। एंड देन इनको मैनेजर बनाना चाहता हूँ, आप जिनको भी मैनेजर बनाना चाहते हैं उनका ईमेल आईडी यहाँ पे जस्ट डाल देना होगा। इनको बनाना चाहता हूँ मैं मैनेजर, तो यहाँ पे मैं इनका ईमेल आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसमें से जो कुछ भी बनाना चाहता हूँ इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मैं इनको मैनेजर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे नीचे सेंड इनविटेशन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे सेंड का फिर से आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही सेंड पे क्लिक करूँगा इनके मोबाइल में एक ईमेल आएगा एक्सेप्ट करने का इनविटेशन, ठीक है। और जैसे ही इनविटेशन को एक्सेप्ट करूँगा ये मेरे चैनल के मैनेजर बन जाएंगे। यहाँ पे दिख रहे हो पेंडिंग भी दिखा रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ईमेल आ गया, ईमेल पे क्लिक कर दूंगा। और ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक कर दूंगा जब, तो मेरे चैनल के ऑटोमेटिक मैनेजर बन जाएंगे, बिना अपना ईमेल आईडी इसमें लॉगिन किए आराम से बन जाएंगे मैनेजर। मैनेजर बनने के बाद गो टू चैनल पे आप क्लिक कर दोगे तो मेरे चैनल पे ये चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। और यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है ना, आप देखो मैनेजर बन चुके हैं, ये देखो मैनेजर बन चुके हैं। और इसको रिमूव भी आप कर सकते हो बहुत ही जल्दी, इस मोबाइल में से हटा सकते हैं और इस मोबाइल में से भी हटा सकते हो, दोनों मोबाइल में से हटा सकते हो। जैसे कि मैं इनको हटाना चाहता हूँ मैनेजर, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जस्ट नीचे रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो हट जाएंगे मैनेजर, ठीक है। और एक कैसे मैनेजर बने हुए हैं और इसमें से भी आप हटा सकते हो, कैसे हटा सकते हो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे परमिशन का दिख रहा है, परमिशन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिमूव कर दूंगा जब ना, यहाँ पे सेम इसी की तरह ये हट जाएंगे मैनेजर, इसमें से भी आप हटा सकते हो और इसमें से भी आप हटा सकते हो। किस प्रकार से मैनेजर बने हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे स्विच अकाउंट पे क्लिक करूँगा। और देखो इसी जो ईमेल आईडी इसमें डाल करके मैंने सेंड किया था, ईमेल भेजा था, उसी के नीचे जस्ट यहाँ पे देख सकते हो जुड़ गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ए मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, इस प्रकार से आप किसी को मैनेजर बना सकते हो आराम से, देख सकते हो। और इसको हटाने के लिए आप हटा दोनों में से हटा सकते हो, कि मैं इसमें से हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, परमिशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैनेजर वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देन मैं रिमूव कर दूँगा, तो ये मैनेजर हट जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये मैनेजर अभी हट जाएंगे, देखिए ये मैनेजर हट रहे हैं और हट भी चुके हैं, कह रहा है कि दूसरा अकाउंट ट्राई कीजिए। इस प्रकार से आप प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया, इस प्रकार से आप किसी को भी मैनेजर बना सकते हो बहुत ही आसानी तरीके। आई होप गाइस आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो गया होगा किस प्रकार से अपने चैनल का ईमेल आईडी बताए किसी को कैसे मैनेजर बनाते हैं,
सब कुछ आपको नॉलेज हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें जाके अपना राय, फीडबैक और क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप स्टूडिंग, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।